बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए लाए हैं दही वाली चटनी। जो चटनी तो एक है, लेकिन आप इसे बहुत ही चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन सैंडविचेस के साथ, रोल पराठा के साथ, चना चाट के साथ और समोसे के साथ। तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें चटनी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर हमने लिया है दही, आधा पाव के करीब हमने दही लिया है। इसके अलावा हमने लिया है 1 बंच के करीब धनिया, थोड़ा सा पुदीना लिया है, हरी मिर्चें ली है 5 से 6। अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो आप मिर्चें ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम तो थोड़ी कम कर दें। इसके अलावा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, कुटा भुना जीरा लिया 1/2 टीस्पून, नमक चाहिए हमें हसबे ज़रूरत, और काला नमक लिया है हमने 1/2 टीस्पून। यहाँ हमने जार लिया है, अब इसमें हरा धनिया डालेंगे, पुदीना डालेंगे, हरी मिर्चें, अदरक डालेंगे, जीरा, नमक, काला नमक और दही डालेंगे, 1/2 दही डालेंगे। उसके बाद बाकी 1/2 बाद में डालेंगे। चटनी में हम बाकी का दही डालेंगे और इसे दोबारा पीसेंगे 1 मिनट के लिए। तो हमारी मज़ेदार सी दही वाली ज़बरदस्त सी खट्टी चटनी रेडी हो गई है। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। ये देखें, ये बिल्कुल वही चटनी है जो आप लोगों को समोसों के साथ मिलती है या रोल पराठा में अंदर जो लगाते हैं। तो फिर आज ही हमारे तरीके से ये चटनी ज़रूर अपने घर पर बनाएं। अगर आपको मेरी अम्मी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।